Hey guys, कैसे हैं आप आपका अगेन मोस्ट वेलकम हमारे सेशन में और ये सेशन हमारा लास्ट वीक करंट अफेयर्स का है तो आई होप कि आप लोग को सी ए याद होगा वैसे बच्चे हैं आप लोग भूल जाते हैं तो मेरे क्वेश्चंस होंगे आपके आंसर होंगे वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आपने लास्ट वीक में क्या पढ़ाई की है आपको अपना इम्तिहान देना जरूरी है है ना चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन और स्टार्टिंग करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ जो आपके सामने है क्वेश्चन में ये पूछा गया कि किस बैंक ने अपना ऑपरेशन श्रीलंका में बंद कर दिया किस बैंक ने अपना ऑपरेशन श्रीलंका बंद कर दिया है एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई बैंक एच डी एफ सी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑफ दिस वी वी हैव हैव फाइव गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आंसर देना शुरू करिए हम पहुंचेंगे दूसरे क्वेश्चन पे ठीक है गुड मॉर्निंग <laughs> तुम लोग मेरे मजे बहुत लेते हो आंसर इस ऑप्शन नंबर बीज राइट आंसर तो बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है कितने तुम लोग हो हो चुके यार क्या क्या खाते हो कर तुम तो सही है, ने अपना बंद कर दिया क्लियर तो है आपको इसमें और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत नहीं क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं ठीक है पीएम मोदी हैज इनग्रेटेड द्रिक्ट हार्ट हॉस्पिटल विच इज इंडिया बिगेस्ट हॉस्पिटल फॉर कार्डियोलॉजी इट इज इन विस सिटी पीएम मोदी जी ने पूरे आ, इंडिया का सबसे बड़ा हार्ट का हॉस्पिटल का इनोब्रेशन किया कहाँ पे ये आपसे पूछा गया वी हैव फाइव ऑप्शन व्हाट इज़ द राइट आंसर आपका आंसर क्या होगा हम उसकी बात कर ले जरा सा देख रहे ठीक है आ, या तुषार बोल रहे हैं अहमदाबाद दीपक बोल रहे हैं अहमदाबाद व्हाट इज द आंसर एंड द आंसर इज अहमदाबाद ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर अहमदाबाद हमारा सही आंसर है तो इंडिया का बिगेस्ट कार्डियक हॉस्पिटल है ये अहमदाबाद में ठीक है और अगर हम बात करें तो यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में इसको बनाया गया है और इसका इनग्रेशन किसने किया है तो पीएम मोदी ने किया है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आइए क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं आपके सामने आपकी क्लास अटेंड करता हूं और हूं और और बादाम खाता जी एक एक सजेशन मेरा अखरोट भी खाइए साथ अखरोट से दिमाग और तेज होता है शार्प होता है बादाम से ताकत मिलती है बट अखरोट खाना जरूरी है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ओकला स्पीटर्स ग्लोबल इंडेक्स में और यहां पर आंसर आने भी शुरू गए रितु शर्मा का पहला आंसर भी आ चुका है वेरी गुड और श्रीधर प्रधान वेरी गुड बहुत बढ़िया कुंदन ने और भी इंफॉर्मेशन दी कि एसके टॉप एसके मीन साउथ कोरिया बोलना चाहते हैं शायद ठीक है आंसर इज इज 131 ऑप्शन नंबर बी राइट एक सौ इकतीसवा रैंक इंडिया का है अब आपसे पूछा कि किसने टॉप किया किसने टॉप किया स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में तो इसका आंसर दे दीजिए कैसा ठीक है आंसर की बात कर ले नमिता अग्रवाल बोलिए भेज दो चलिए इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा साउथ कोरिया ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर साउथ कोरिया हमारा सही आंसर है ठीक है तो ओकला स्पीडेस्ट ग्लोबल इंडेक्स की बात करें इंडिया की रैंक 121 है टोटल कंट्रीज 138 थर्टी एट थी टॉप बाई द साउथ कोरिया साउथ कोरिया की स्पीड सबसे ज्यादा है 121 ट्वेंटी की स्पीड मिलती है मोबाइल में वन ट्वेंटी वन या हमारे यहाँ टेन एम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ठीक है ग्लोबल एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड की बात करें 35.26 फाइव पॉइंट टू सिक्स एमबीपीएस बट इंडिया की बात करें इंडिया में आपको एवरेज ट्वेल्व पॉइंट जीरो सेवन एमबीपीएस की स्पीड मिलती है ठीक है तो ये पॉइंट आपके सामने है और अगर डाउनलोड की बात करें तो टॉप बाई सिंगापुर ये देख लो यहां पे ये पॉइंट याद रखना साउथ कोरिया में एवरेज मोबाइल इंटरनेट स्पीड ज्यादा है लेकिन अगर आप डाउनलोड की बात करेंगे तो सिंगापुर ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी सिंगापुर भी इसका आंसर है याद रखेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस टू सेटअप ऑफ द कंट्री फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क तो ये हमने आपसे पूछा है किसी सेशन में वॉट इज डायन सर तो भारत के किस राज्य ने देश के पहले रेत टिब्बा पार्क और व्याख्या केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है केरला तमिलनाडु गोवा महाराष्ट्र नन ऑफ दीज वॉट इज डाइन सर और इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर गोवा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर तो गोवा गोवा बिल्कुल सही हमारा आंसर है तो गोवा हमारा सही आंसर है तो इंडिया का पहला सैंड ड्यून पार्क की बात करें तो ये गोवा में बना बन रहा है ठीक है अच्छा वर्ल्ड बैंक हैज सैंक्शन अराउंड थ्री करोड़ रुपीज़ तो वर्ल्ड बैंक ने सेंक्शन किया है यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा असिस्ट ये है स्कीम ठीक है तो ये भी याद रखेगा इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके करंट अफेयर्स में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली नहीं बनते हैं थोड़ा सा आपको और डीप में इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ती है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं

स्टेट हैज सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द डिस्ट लोन अंडर दी एम स्वानिधि ने पीएम स्वानिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की है यहां पर पांच ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं वॉट इज answer? क्या आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा जी हाँ ऋतु अग्रवाल बोल रही है उत्तर प्रदेश जग्गू बोल रहे हैं एमपी <laughs> इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर यूपी होगा ऑप्शन उत्तर प्रदेश हमारा बिल्कुल सही आंसर है तो उत्तर प्रदेश की बात करें उत्तर प्रदेश को पहली रैंक मिली है पीएम स्कीम में लोन बांटने के लिए ठीक है तो याद रखिएगा तो आपको ये ये पता है ये मैंने कई बार आपको बताया भी हुआ है चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एट की हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द विजिलेंस एंड द एंटी करप्शन अलॉन्ग विजिलेंस अवेयरनेस वीक वॉट इज निम्नलिखित में से कौन uh, uh, इंग्लिश में बोले तो विजिलेंस एंड एंटी करप्शन सतर्कता जागरूकता सत्ता के साथ साथ और भ्रष्टाचार निरोध पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा ठीक है इंग्लिश में द द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द विजिलेंस एंड द एंटी करप्शन अलॉन्ग विजिलेंस अवेयरनेस वीक व्हाट इज द आंसर एंड द आंसर इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर सीबीआई बिल्कुल सही आंसर है जगदीप बोल ठीक है आगे बढ़ते हैं तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइज द नेशनल कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग विद विजिलेंस अवेयरनेस वीक द कॉन्फ्रेंस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी सेवन अक्टूबर टू सेकेंड नवंबर जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है गायत्री मिश्रा जी मैं भी खुश हूं आपको देख के so आप यहाँ पे कमेंट करते हुए थैंक यू सो मच आप आए पे आइए बढ़ते हैं डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इज सून टू बी लॉन्च इन इंडिया इट बिलोंग्स टू विच कंट्री डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इज सून टू बी लॉन्च इन इंडिया इट बिलोंग्स टू विच कंपनी विच कंपनी विच कंपनी किस कंपनी ने ये शुरू किया डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम वॉट इज द आंसर क्या इसका आंसर होगा और आंसर की बात कर ले इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा मास्टर कार्ड ऑप्शन नंबर डी मास्टर कार्ड ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर तो मास्टर कार्ड ने अटलांटिक एक सिंगापुर की कंपनी है उसके साथ एग्रीमेंट किया है और ये लोग मिलकर डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो ये प्रोग्राम 2019 में मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया था विद द पार्टनरशिप ऑफ द एप्पल मतलब एप्पल के साथ पार्टनरशिप करके ये इनिशिएटिव 19 में लॉन्च हुआ था लेकिन इंडिया में अभी आ रहा है और इंडिया के लिए मास्टर कार्ड ने एटलांटिस नाम की कंपनी से एग्रीमेंट किया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हिच कंपनी हैज रिसीव्ड द यूके 2020 ब्रूनेल मेडल फॉर इंडिया असिस्टेड असिस्टेड मंग देचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट फॉर एक्सीलेंस इन सिविल इंजीनियरिंग किस देश को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए भारत सहायता प्राप्त मंगदे जल विद्युत परियोजना के लिए यूके का 2020 का ब्रूनल पदक प्राप्त हुआ है यह कौन सा देश है आपसे पूछा गया पात्रा जी गुड मॉर्निंग कैसी हैं आप व्हाट इज द आंसर व्हाट इज द आंसर भूटान श्रीलंका मलेशिया नेपाल एंड एंड द राइट आंसर इज भूटान ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर भूटान तो इंडिया असिस्टेड मतलब इंडिया ने इसमें हेल्प की है मांगदेचू हाइड्रोलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन द भूटान इसको अवार्ड मिला है ब्रुनेल मेटल टू थाउजेंड ट्वेंटी बाई द टॉप यूके बेस्ट इंजीनियरिंग बॉडी ठीक है तो इतना पढ़ ले जो और कुछ पॉइंट है अगर हम बात करें ये मंगदे की तो ये 720 सौ कैपेसिटी का एक पावर प्रोजेक्ट है जिसे कि मंगदे रिवर इन ये यहाँ पे भूटान में बनाया गया इतना पड़ लो केवल और फोर फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ रुपये की परियोजना है पूरी चार हजार सौ करोड़ रुपए की परियोजना है किस रिवर पे मंगदेचू रिवर पे भूटान में ये बन रहा है और इसकी कैपेसिटी सात सौ बीस की है तो एक पॉइंट आपके सामने चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं द लॉन्गेस्ट टेम्पल रोप वे प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन इन इनोग स्टेट ऑफ इंडिया विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोप वे परियोजना का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया जम्मू एंड कश्मीर गुजरात केरला हरियाणा इज जी गुड मॉर्निंग टाइम पर आइए टाइम पर टेन मिनट लेट हैं आप लोग जग्गू भाई बोल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर मिश्रा जी प्रणाम खुश रहिए खुश रहिए जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे सबका आंसर जम्मू एंड कश्मीर कुंदन कृष्णा का आंसर गुजरात आया है वैष्णवी गुजरात बोल रही हैं दीपक कुमार गुजरात बोल रहे हैं ऋतु ग्रेवाल गुजरात बोल रही हैं आंसर गुजरात ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर तो वर्ल्ड का सबसे लंबा टेम्पल रोप वे प्रोजेक्ट इन गिरनार इन जूनागढ़ इन गुजरात गिरनार होल गिरनार हिल रोपवे से पूरा हम कहेंगे जूनागढ़ में ये बना है 130 करोड़ रुपए में ये बना है जूनागढ़ गुजरात 130 करोड़ रुपये तो ये पॉइंट याद कर लीजिएगा ठीक है दत्ता जी कैसी हैं आप हेलो टाइम पर आइए 11 एम पे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द न्यू डेडलाइन सेट बाय द गवर्नमेंट टू फिल द टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल इन नाइनटीन ट्वेंटी इनकम टैक्स रिटर्न की हम बात कर रहे हैं वॉट इज द एंसर एंड राइट आंसर इज दिसंबर 31 31 2020 31, 2020 दिसंबर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर तो ये याद कर लीजिएगा आगे बढ़ते नॉन कोऑपरेटिव इन द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड द टेरिस फाइनेंसिंग व्हाट इज आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा वी हैव फाइव ऑप्शंस व्हाट इज ये बड़ी बेजती होती है मुझे मेरी आजकल सब अंकल ही मुझे बोलते हैं चलो इसका आंसर क्या होगा आंसर इज ग्रे ऑप्शन नंबर ए ग्रे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है तो ये याद कर लीजिएगा तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें तो हैज़ अनाउंस द पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू रिमेन ऑन द इट्स ग्रे लिस्ट टिल फेवरी टू

चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पर द किसान सूर्योदय योजना हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन व्हिच स्टेट बाय पीएम मोदी पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया गुजरात उत्तराखंड राजस्थान हिमाचल प्रदेश None of these व्हाट इज द आंसर इसका आंसर एक तो और देख लेते एक बार। किसान सूर्योदय योजना इनोग्रेटेड बाई पी मोदी इन गुजरात किसान सूर्योदय योजना की बात करें ये एक एग्रीकल्चरल स्कीम है विच एम्स टू प्रोवाइड पावर सप्लाई ड्यूरिंग डे टाइम फ्रॉम फाइव ए एम टू नाइन पी एम फॉर इरीगेशन पर्पज टू फार्मर मतलब कि किसानों को सुबह पांच बजे से लेकर शाम को नौ बजे तक रात के नौ बजे तक प्रॉपर पावर सप्लाई की जाएगी तो ये पॉइंट है इसका ठीक है देख लीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके सामने द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विथ विच कंपनी टू सपोर्ट एस एम का मतलब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप टू गेट लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज

सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सर क्या इसका आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ऑप्शन नंबर ए तो लुइस हैमिल्टन जो कि मस्तीस कार चलाते हैं ब्रिटेन में रहते हैं उन्होंने 2020 का पोर्टुगीज ग्रांड पिक्स जीता है ठीक है ये बारहवीं रेस थी इस साल की और लुइस हैमिल्टन ने अपनी आठवां जीता इस सीजन का हालांकि आज अपने सीए में मैंने आपको और भी इंफॉर्मेशन दिया ठीक है तो आज वाले सीए का पी आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरी लिस्ट कंप्लीट कंप्लीट हो जाएगी ठीक है चलिए

इसका आंसर क्या होगा उसकी हम बात कर ले भैया फाइव ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज प्रोपियटरी क्यूआर कोड ऑप्शन नंबर भी right is, B, मैंने आपको बताया था है ना इंटर ऑपरेबल क्यू कोड चलेगा लेकिन ये नहीं चलेगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और अब आपसे आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की व्हाट इज द डेडलाइन सेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर टू शिफ्ट फ्रॉम द प्रोपेटरीबल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन यार मैं बोलता जो हूं वो हो जाता है ध्यान देना मैं लेफ्टी हूं लेफ्टी ऑलवेज लकी ऊपर से ब्राह्मण भी हूं तो त्रिकालदर्शी भी हूं तो समझ लेना मेरी बात को ठीक है फाइव ऑप्शंस हाँ फोन बजा तुम लोग गजब का यार तुम लोग का माइंड बड़ा जासूसी वाला है आंसर क्या होगा आंसर इज 2022 थाउजेंड मार्च 31 मार्च 2022 हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन ओरिजिन वॉविल राम कलावन हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द विच कंट्री ये राम कलावन राम नाम ये हम लोग के साइड के नाम है मतलब मिर्जापुर गाजीपुर गोरखपुर बनारस इधर आपको ऐसे ही नाम मिलेंगे श्रीलंका मॉरिशस मालदीव शेसिल्स एंड नन ऑफ दिस वॉट इज द आंसर इसका आंसर क्या होगा शशिकांत भाई थैंक यू सो मच आ, यहां पे आंसर आ रहा है सेशल्स क्या ये सही आंसर है एंड द राइट आंसर इज सेशल्स ऑप्शन नंबर डी सेशल्स नाम तुम लोग जानते हो ना सेशल्स ये बहुत भारत मतलब लगभग लगभग आप मॉरिशस का नाम जानते हो ना तो ये मॉरिशस की तरह ही कंट्री है सेशल्स और यहां की करेंसी क्या पता है यहाँ की करेंसी भी रुपीज है इंडियन रुपीज नहीं है रुपीज है मतलब आपने मेरी वो ट्रिक याद रखी है कि नहीं याद रखी है मामा श्री ने भाई याद है कुछ भाई से से का मतलब यहाँ पे सचल्स ही था तो मॉरिशस मालदीव श्रीलंका नेपाल भारत इंडोनेशिया ससल्स पाकिस्तान तो इन सब में रुपीस चलता है इंडियन रुपीस नहीं इनका अपना रुपीस है ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट तो आप देख लीजिए वावेल नाम है इनका लेकिन रामकलावन वावेल राम रामकलावन राम कला, राम तो नाम थोड़ा सा डिफरेंट है इनका तो ये प्रेसिडेंट बने सेशल्स की आपको मालूम चले गया है सेशल्स की कैपिटल विक्टोरिया है और करेंसी यहाँ की रुपी चलती है यहाँ पे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की एवरी ईयर इंडिया ऑब्जर्व द विजिलेंस अवेयरनेस वीक द वीक इज ऑब्जर्व एज ए ट्रिब्यूट टू व्हिच लीडर व्हाट इज द आंसर वी हैव फाइव ऑप्शंस जल्दी बताएं मुझे आंसर तो हमारे साइड में राम कलावन राम आसरे श्याम आसरे श्याम आसरे को जानते हैं आप लोग श्याम आसरे सर हमारे रीजनिंग पढ़ाते हैं तो ऐसे ही ना मिलेंगे आपको एंड द राइट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात कर ले करता है विजिलेंस अवेयरनेस वीक देख लो भैया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑब्जर्व द विजिलेंस अवेयरनेस वीक फ्रॉम द फ्रॉमेंटी अक्टूबर टू सेकेंड नवंबर ठीक है और क्योंकि दिस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ड्यूरिंग द वीक इन विच द बर्थडे ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल थर्टी फर्स्ट अक्टूबर फॉल्स ठीक है तो ये देख लीजिएगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ये रहा विच कंट्री हैज लॉन्च द नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी अब वी हैव फाइव ऑप्शन वॉट इज द आंसर इसका आंसर क्या होगा वी हैव फाइव ऑप्शन और आंसर इज बांग्लादेश ऑप्शन नंबर बी तो बांग्लादेश गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट नो सर्विस विल बी प्रोवाइड टू पीपल हु डोंट वीअर अ मास्क ठीक है, नो मास नो सर्विस तो बांग्लादेश कैपिटल ढाका एंड द करेंसी आपको बताइए। आगे बढ़ते हैं, हैं बात करते हैं। Next question की आपके सामने। नीति आयोग इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स इन द अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स करने के लिए नीति आयोग ने कमेटी बनाई है और मतलब advisory panel बनाया इसको लीड कौन करेगा यह आपसे पूछा गया वी आंसर जल्दी मुझे बताएं और यहाँ पर पांच ऑप्शन आपके पास है राहुल रावत बोल रहे हैं अरविंद अरविंद अच्छा इसका एंस, बोल Kumar, right तो नीति आयोग ने बनाई है टू लुक इनटू द इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स इन द अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम द पैनल विल बी द नीति आयोग वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार जी

एक स्पोर्ट्समैन स्प्रिट की तरह अपने आप को वापस लाना होता है और डबल स्पीड से पढ़ाई करनी होती है वॉइस में क्या दिक्कत आ गई जी आंसर इज अल्फा कोंडे ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर अल्फा मैंने आपको ट्रिक बताया था गिन नहीं सकते अल्फा रेस को है ना गिनी अल्फा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपके सामने तो ठीक है तो अगर हम बात करें गिनी की कैपिटल की बात कर ले लें और करेंसी की बात कर ले फ्रैंक मैं आपको स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं याद करते चलिएगा ठीक है आगे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली बैंड बिरला पैसिफिक यशोवर्धन बिरला एंड एट अदर फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट फॉर द टूर्स इनमें से किसने देखिए अभी आप लोग के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम में सेबी का पूछा गया था ना सेबी के फंक्शंस क्या होते

रितु ने किया है बढ़िया सेबी की बात करें सेपी है सेबी हैज बर्ड द कंपनी यशवर्धन बिरला एंड एट अदर इंडिविजुअल मतलब आठ अलग और एक यशवर्धन बिरला मतलब नौ लोग फ्रॉम द एसिंग द सिक्योरिटी मार्केट मतलब कि दो साल तक दो साल तक ये ये सिक्योरिटी मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज लॉन्च नहीं कर पाएंगे तो ये देख लीजिए आपके सामने इन्फॉर्मेशन है तो शार बोलना करके आए हैं अच्छी बात है बढ़िया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा मैं मैं आपको बोलता नहीं हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में आएगा अगर आपने टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज वाला टॉपिक कर लिया होता बेसल नॉर्म्स कर लिया होता तो आप इसका एंसर दे पाते हैं तो गाइस सब कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कुछ भी आ सकता है आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी है आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है अवेयरनेस सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए चलिए तो कितनी रैंक है इंडिया की तो इंडिया की रैंक 109 है ऑप्शन नंबर डी फीफा में आपको ही है तो इंडियन मेंस फुटबॉल टीम की बात करें एक स्थान का नुकसान हो गया भारत को और भारत 109 पे पहुंच गया है बढ़िया अच्छी बात है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ हैज टॉप रैंकिंग किस देश ने फीफा की नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया बेल्जियम फ्रांस ब्राजील इंग्लैंड रुकवे वॉट इज आंसर क्या होगा इसका आंसर बेल्जियम ऑप्शन नंबर एक तो बेल्जियम हमारा सही आंसर है बेल्जियम पहले पे फ्रांस दूसरे पे ब्राजील तीसरे पे और इंग्लैंड चौथे पे तो बेल्जियम फ्रांस ब्राजील इंग्लैंड ये टॉप तो फोर कंट्रीज की लिस्ट हमने आपको दे दी है नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बोलिवियन प्रेसिडेंट इलेक्शन विदिफ्टी फाइव ऑफ द वोट्स मतलब बोलिविया के प्रेसिडेंट कौन बने ये आपसे पूछा गया है। पांच ऑप्शन आपके सामने आंसर दीजिए पढ़ाई ये भी है आपको और इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा लुइस अल्बर्टो एक्रे काटाकूरा बेल्जियम ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और आपसे बात करते हैं तो लुइस एकर की बात करें ये बोलिविया के प्रेसिडेंट बन गए हैं बोलिविया की कैपिटल क्या है लापास भी है और सोर्स भी है एंड करेंसी बोलिवियानो है तो दोनों पॉइंट मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज ये कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया वर्ल्ड डे फॉर द ऑडियो क्या होगा इसका आंसर आंसर 27 अक्टूबर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 27 अक्टूबर हमारा सही आंसर है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज 27 अक्टूबर को ये मनाते हैं थीम है योर विंडो इज टू वर्ल्ड योर विंडो वर्ल्ड तो ये देख लीजिएगा सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंडिया अंडर वे इन न्यू डेली आपने एक बात नोटिस की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम में यह पूछा गया मतलब आप मान के चलिए जिस दिन आपके एग्जाम होंगे आपके एग्जाम के पांच दिन पहले का भी इंफॉर्मेशन वो पूछ सकते हैं तो ध्यान देना इस पॉइंट को ठीक है चलो थर्ड एडिशन 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 इनको तो तीसरा एडिशन ये था पहला एडिशन दिल्ली में हुआ दूसरा यूएस में हुआ तीसरा फिर आपका दिल्ली में ही हुआ तो इंडिया होस्ट कर रहा है थर्ड एडिशन ऑफ द इंडिया यूएस टू प्लस टू डायलॉग ठीक है और इसमें बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बैठते हैं तो आपको पता ही है ये पॉइंट ठीक है चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जापान विल अचीव जीरो कार्बन एमिशन बाई विच ईयर जापान इस साल तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा वही फाइव ऑप्शन तो सुगा जी इनका भी नाम पूछा गया था एग्जाम में कि जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं तो उन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया है, तो आपके सामने यहां पर ऑप्शन है एंड द आंसर इज 2050 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर तो जापान के प्राइम मिनिस्टर सुगा इन्होंने क्या बोला कि जापान जो है वो जापान की करंटली जो एनर्जी प्लान है उसका वही मतलब डीजल पेट्रोल की बात हो रही है तो हालांकि जापान के लिए बट होगा तो कम से कम जापान सोच तो रहा है, है ना चलो आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हु इंडियन डेलीगेशन एट द ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम 2020 अब पार्लियामेंट की बात हुई है तो ओम बिड़ला का नाम सामने आएगा लेकिन मान लो क्वेश्चन तुमसे मैं पूछता कि ये ब्रिक्स ये ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम कौन सा एडिशन था तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता तो ये कौन सा एडिशन था संदीप सैनी ने 40 किए बढ़िया 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 वेरी गुड संदीप नहीं आपने मुझे फॉलो नहीं किया है एग्जैक्टली आपने मेहनत की है किसी को फॉलो करना भी एक मेहनत होती है बेटा और उसके कंटेंट याद रखना भी मेहनत होती है ठीक है आंसर क्या होगा ओम बिड़ला ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर तो ये छठवां एडिशन था सिक्स ब्रिक्स पार्लियामेंट फोरम की बात करें ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज हुआ और अगर हम बात करें तो इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने साथ ही में कौन थी हैं आप लोग ये कनिमोझी कौन हैिधि ये? ये की लड़की है ए राजा की वाइफ है और ये वही ए राजा है जो कि टू स्पेक्ट्रम का मास्टर था क्या पॉलिटिक्स है मतलब इसीलिए मैं पॉलिटिक्स जाने जाता हूँ इसीलिए कि तुम कर दो कितना भी एक लाख साठ हज़ार करोड़ एक लाख साठ हजार करोड़ घोटाला कोई दिक्कत नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं और हाँ, सी का सेक्शन मैंने पढ़ाया वो भी एग्जाम में आया यार सारे क्वेश्चन आए एग्जाम में ऐसा नहीं विच कंट्री वॉज द चेयर फॉर द सिक्स पार्लियामेंट्री फोरम तो देखो यार ब्रिक्स समिट इस बार की जो हो रही है ब्रिक्स समिट एडिशन वो रशिया में हो रहा है तो ब्रिक्स का कोई भी समिट जो है वो रशिया में ही होगा तो रशिया इसको होस्ट करेगा तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट द नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन एलियंस प्लान टू बिल्ड अ अडक्वार्टर फॉर स्पेस ऑपरेशन इन विच प्लेस

एस डी एफ एफ हुज बीन अपॉइंटेड तो आपको पता है कौन है ये जगदीशन जी हैं तो आपको यह पता है तो हम इस पर टाइम कम लेंगे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की विच डेज विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व एज द इन्फेंट्री डे बाई द इंडियन आर्मी एवरी ईयर इन्फेंट्री डे बाई द इंडियन आर्मी एवरी ईयर हम लोग इसका आंसर पता है हम मैंने पढ़ाया भी आपको इसका इंडियन आर्मी इन जम्मू एंड कश्मीर नोन बाई निकीनार बोला थावन में पाकिस्तान ने धोखे से जम्मू कश्मीर हमला कर दिया था तो देट टाइम पर सीमा पे जो हमारे सैनिक थे बेचारे वो मर गए थे शहीद हो गए थे बेसिकली तो उनकी याद में यह दिन मनाया जाता है तो आपको यह पता ही चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन की द गवर्नमेंट हैज अ हाई लेवल कमेटी टू लुक इन टू कमोमेशन ऑफ द फोर्थ हंड्रेड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर हु इज द हेड ऑफ दिस कमेटी कौन इस कमेटी को लीड करेगा ये आपको बताना है सेवेंटी मेंबर कमेटी है गाइस अजय भल्ला इसके मॉडरेटर हैं आपको पता है कौन है अजय भल्ला ये होम सेक्रेटरी हैं लेकिन इस कमेटी को लीड कौन करेगा तो ये कमेटी को लीड करेंगे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑप्शन नंबर सी बैसल में तीनों रिस्क आते हैं भाई क्रेडिट ऑपरेशनल मार्केट मैंने फिगर बना के क्लास में पढ़ाया हुआ है तुम लोग क्लास ध्यान से

और ये किसने लॉन्च किया ये किसने लॉन्च किया ये लॉन्च किया है एस ने ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रेस्ड फाइव थाउजेंड करोड़ बेसल थर्ड कॉम्प्लींट बॉन्ड ठीक है याद कर लीजिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डिजार्मामेंट वीक कब बनाया गया डिजार्मामेंट वीक कब बनाया गया यानी हथियार निरस्त्रीकरण वी हैव फाइव ऑप्शन वॉट इज द आंसर एंड राइट आंसर चौबीस अक्टूबर से तीस अक्टूबर तक वीक मनाया गया ठीक है तो आपके सामने पर है, और इसकी इंडिया एंड मेनी एसाउ इंक्लूडिंग बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट यह तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फुल फॉर्म जरूर इसका आंसर क्या होगा

ठीक है नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन है? मतलब ठीक है तो आपको 65 फाइव परसेंट तक का तक का टू डिस्काउंट मिल सकता है और यह एनपीसीआई ने लॉन्च किया ऑप्शन नंबर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हमारे देश की अम्ब्रेला रिटेल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। याद रखिएगा ठीक है, है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की विच आई और एन एच ए आई द बेटरमेंट ऑफ द हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने यह भी आपको पढ़ाया तो किस आई ने और एन एच ए आई ने एमओ यू साइन किया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द हाईवे इंफ्रा वी आंसर एंड राइट आंसर इज आई जोधपुर ऑप्शन नंबर ए तो आई जोधपुर और एन इन्होंने एमओयू साइन किया है टू शेयर एक्सपर्टाइज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द हाईवे इंफ्रा ठीक है तो ये पॉइंट आपके सामने आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू एस्टैब्लिश एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस मतलब मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन हर शहर में क्या इसका आंसर होगा सोफिया जी आप रिक्वेस्ट तो कर रही हैं लेकिन क्या कर रही हैं जरा बताइए तो और रिक्वेस्ट मत करिए आदेश दीजिए क्या है आंसर इज उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर है यूपी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ठीक है तो आपको ये पता ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं विच आई आई टी एंड टी सी एस ज्वाइंटली डेवलप अ न्यू इंडस्ट्री फोर पॉइंट ओ सोल्यूशन मैंने ये भी आपको पढ़ाया वॉट इज द आंसर

एंड द आंसर इज अमिताभ बच्चन ऑप्शन नंबर ए अमिताभ बच्चन ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर अमिताभ बच्चन जो है ये कंट्री uh, के मोस्ट ट्रस्टेड एंड रिस्पेक्टेड ब्रांड बने हैं और बॉलीवुड की बात करें तो अक्षय कुमार चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट इज गोइंग टू डिसकंटिन्यू व्हाट विच प्लेटफॉर्म वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट एज स्काइपी वन ड्राइव एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर व्हाट इज द देंसर एंडर इज इंटरनेट एक्सप्लोर ऑप्शन नंबर और यह खत्म हो जाएगा और अब यह चलेगा ठीक है चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तय मनोज श्रीवास्तव अनाउंस हिस्स रिटायरमेंट ही वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड वॉट इज द आंसर वी है मनोज श्रीवास्तव इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और ये क्या थे ये थे खिलाड़ी क्रिकेट के ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर क्रिकेटर तो तन्मय मनोज श्रीवास्तव ने ये बेसिकली इंडिया के अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के पार्टिसिपेंट भी रह चुके हैं और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया ठीक है तो ये आपके सामने है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट Who among the following has written the book Night of the Restless Spirits Stories from the 1984 1984 में जो सिख मैक्सकेयर हुआ था मतलब नरसंहार हुआ था उस पर ये बुक लिखी गई है व्हाट इज द आंसर इसका आंसर क्या होगा वी हैव फाइव ऑप्शन जी हाँ इनका फैक्ट सरबीत सर सर्ब, सर्बप्रीत सिंह ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर तो ये आपके सामने ऑप्शन नंबर डी ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनोग्रेटेड अ डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी एट वी ओ चिदम्बरम पोर्ट इन तूतीकोरी अ मूव दैट विल रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड द बूस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है इसका आंसर आप क्या देने वाले हैं देख लीजिएगा आंसर इज मनसुख मंडैया ऑप्शन नंबर बी तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग श्री मनसुख मंडैया की बात करें इन्होंने डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी का इनोग्रेशन किया वी ओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट इन तूतिकोर इन तमिलनाडु तो ये याद कर लीजिएगा बस और इसका फायदा क्या ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी नेक्स्ट वाइन ऑन द लाइन ऑफ आई क्रिकेट अ यूनिक प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट इज बीइंग प्लेड इन विसिटी इन ऑर्डर टू फ्री द सिटी फ्रॉम द सिंगल यूज प्लास्टिक व्हाट इज द आंसर एंड द राइट आंसर इज इंदौर ऑप्शन नंबर सी तो आईपीएल पी एल तर्ज पर एक प्लास्टिक प्रीमियर लीग शुरू हुई है इंदौर में जिसमें नाइनटीन जोन को चार टीम में डिवाइड कर दिया जाएगा और चारों टीम से बोला गया है कि फोर्टी डे आपके पास हैं जिसके पास ज्यादा प्लास्टिक कलेक्ट होगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा तो बढ़िया है

टू सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर ट्राइबल वेलफेयर इन पार्टनरशिप विद द आर्ट ऑफ लिविंग तो निम्नलिखित में से किसने आर्ट ऑफ लिविंग की साइदारी में आदिवासी कल्याण के लिए दो सेंटर ऑफ ओपन किए हैं एक आपका झारखंड में खुला है और एक आपका महाराष्ट्र में खुला है क्या इसका आंसर होगा एंड द आंसर इस अर्जुन मुंडा यही करेंगे भाई ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर लेकिन आपको ध्यान देना है ये कहां कहां पे ओपन हुआ तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा की बात करें इन्होंने टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं फॉर द ट्राइबल वेलफेयर विद द कोलैबोरेशन ऑफ द ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स एंड द आर्ट ऑफ लिविंग ठीक तो अगर हम बात करें तो ये दो सेंटर कहां बनाए गए हैं एक औरंगाबाद में बनाया गया है महाराष्ट्र में और एक बनाया गया झारखंड में एग्जैक्टली exactly, में झारखंड में पांच डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे झारखंड में बेसिकली पांच डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे और महाराष्ट्र में एक औरंगाबाद में ठीक है आपके साथ चलिए नेक्स्ट पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेटरी ऑफ नासा हैज डिस्कवर्ड वाटर ऑन अ सनलाइट सरफेस ऑफ द मून नासा के निम्नलिखित वेधशाला में किसने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है मतलब पानी होने की संभावना जताई गई है. हैलोस्फोयर टेस मोलावे सोफिया वॉट इज आंसर सोफिया सोफिया इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर तो अगर हम बात करते हैं तो टू न्यू स्टडीज पब्लिश इन द नेचर नेचर एस्ट्रोनॉमी सजेस्ट देयर कुड बी मच मोर वाटर देन प्रीवियसली थॉट इंक्लूडिंग ठीक है अब हम आते हैं बात पर सोफिया सोफिया ने सोफिया की बात करें सोफिया एक टेलीस्कोप है जिसके रिसर्चर ने ये ढूंढा हुआ है तो ये पॉइंट आपके सामने ठीक है आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज पार्टनर विद आई आई एफ एल फाइनेंस फॉर गोल्ड लोन गोल्ड लोन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया मैंने आपको ये गोल्ड लोन के लिए आईआईएफएल ने किस बैंक से साझेदारी की है व्हाट इज आंसर इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर सीबीएस बैंक ऑप्शन नंबर डी सीबीएस बैंक ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर तो यार ये सीबीएस था मतलब कैथोलिक सीरियन बैंक था ना मेरे हिसाब से तो कैथोलिक सीरियन बैंक ही है एंड आई आई एफ एल बिल्कुल सही आंसर मैंने पढ़ाया आपको ये पॉइंट आरबीएल नहीं है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इंटरनेशनल एनिमेशन डे इंटरनेशनल एनिमेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट टू सेलिब्रेट द आर्ट एंड ठीक है इंटरनेशनल एनिमेशन डे की बात कर लें इसका आंसर होगा ट्वेंटी ऑप्शन नंबर ए ट्वेंटी एट अक्टूबर ऑप्शन नंबर ए तो इंटरनेशनल एनिमेशन डे इसकी कोई थीम तो नहीं है लेकिन आपको यह बात याद रखनी है कि दो हजार बीस में इसका उन्नीसवा एडिशन सेलिब्रेट किया गया है नाइनटीन एडिशन ठीक है यह भी देख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग with एस आई

ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इंडिया पोस्ट एन एग्रीमेंट विद द पोस्टल सर्विस ऑफ विच कंट्री मैंने ये भी पढ़ाया आपको व्हाट आंसर फेस्टिवल ऑफ परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस मैंने ये पढ़ाया है आपको सारे पॉइंट पढ़ाए यूएस कौन बोल रहा है जी मा हाँ सॉरी जापान कौन बोल रहा था देख नहीं पाया जापान ठीक है वेंकैया नायडू ऑप्शन नंबर बी तो आइए देखते हैं पूरा पॉइंट तो वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वेंकैया नायडू लॉन्च फेस्टिवल ऑफ द परंपरा सीरीज 2019 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस ऑर्गेनाइज बाय द नाट्य तरंगिनी इन पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड नेशन नेक्स्ट पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज टाइड अप विथ एनपीसीआई फॉर रिवॉर्ड प्रोग्राम इसमें से किस बैंक ने एनपीसी टाइप किया है फॉर द रिवॉर्ड प्रोग्राम वी हैव फाइव आंसर राहुल थे चलो बढ़िया ईमानदार नहीं हो तो। तुम इसका आंसर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ फॉर अ रिवार्ड प्रोग्राम नेक्स्ट वाइन सिक्स ईयर ओल्डार मुस्तैनी अली फ्रॉम विच कंट्री हैजन द ग्लोबल आर्ट कॉम्पिटिशन कंडक्टेड बाई द आईसीआर यह भी पढ़ाया मैंने आपको सब पढ़ाया मैंने आपको इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा फ्रॉम द बांग्लादेश ऑप्शन नंबर बी साल के हैं बांग्लादेशी हैं अनजार मुस्तीन अली इनको स्पेशल प्राइज दिया गया है वन थाउजेंड डॉलर का फॉर इज आर्ट वर्क इन द ग्लोबल आर्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज बाई द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन और इस कॉम्पिटिशन का नाम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च डिजिटल गोल्ड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म पढ़ाई यह भी है आपको आंसर इज भारत पे ऑप्शन नंबर e. भारत पे ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर तो भारत पे ने लॉन्च किया था पढ़े हम लोग है ना चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट इज ऑल सेट टू रिज्यूम स्टेट फॉर्मेशन डे फ्रॉम नवंबर वन और ये च, ये छह साल के बाद ऐसा हो रहा है

लंबा ये फेनी ब्रिज है और ये दिसंबर में पूरा हो जाएगा ये इंडिया को किस कंट्री से जोड़ेगा ये आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द आंसर एंसर इस बांग्लादेश ऑप्शन नंबर सी तो 1.8 किलोमीटर लॉन्ग फेनी ब्रिज ये कनेक्ट करेगा सिब साबरम इन इंडिया विद द रामगढ़ इन द बांग्लादेश तो इंडिया में साबरम जगह है और बांग्लादेश में रामगढ़ जगह है इन दोनों को ये ब्रिज जो है वो अटैच कर देगा ठीक है और इसकी टोटल कॉस्ट वन ट्वेंटी करोड़ रुपीज़ है और लेंथ वन किलोमीटर ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट बाई विच ईयर नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार निसार सैटेलाइट जो है वो नासा इसरो का मतलब कम ज्वाइंटली बनाया जाएगा ये किस साल लॉन्च किया जाएगा वी एफ फाइव ऑप्शन व्हाट इज आंसर एंड द आंसर इज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बाईस पच्चीस आप लोग बोल लो क्या मेरा गलत है क्या बाईस ही तो है अरे यार भाई तो क्या है तुम लोग का रितु शर्मा है इसमें राहुल रावत है इसमें नेहा दो तीस। बाप रे बाप दो अंशुल पच्चीस सोनम चौधरी तेईस एक से एक लोग हैं जो पढ़ाया है वो याद नहीं है दुनिया भर की चीजें याद हैं और कौन है जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ मनीषा पच्चीस लोकेश पच्चीस अमित प्रजापत बाईस शुभाल बाईस बहुत बढ़िया सविता जी बाईस ठीक है बताओ कुछ भी नेक्स्ट पॉइंट हु हैज बीन अपॉइंटेड जो दो हजार तीस वाले कौन थी नेहा दो हजार तीस बीन ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द डॉक्टर ट्रस्ट इसीलिए बोलते हैं टाइमली उठा करो सुबह उठ के थोड़ा सा प्राणायाम सूर्य नमस्कार करो मेरा सी ए देखो अच्छे बच्चों की तरह घर का काम करो पढ़ाई पर बैठ जाओ इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसे करने को लेकिन ये तो मानना नहीं तुम लोग को चलो आंसर इज रोहित शर्मा ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर चलिए प्रशांत भाई थैंक यू सो मच आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर ट्रस्ट की बात कर ले इन्होंने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं चलो मेरी मतलब ये ई ही पे खत्म करते हैं मतलब और भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन पीडीएफ में तुम्हें हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए जी ए बाई अभिजीत सर सर्च कर लो बेटा सब लोग हाँ और जो हैं वो तो हैं ही है इसमें तो आपको मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा ठीक है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं आप बोलेंगे सर मैं क्यों नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मेरी फिर से क्लास है कॉन्टिन्यूअस क्लास है आई होप कि आप लोग समझेंगे कम क्वेश्चन बचे आप कर लोगे आराम से पढ़ाया गया आपको ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच हाँ सुबह उठो छः बच्चों की तरह घर की सफाई करो माता पिता का आशीर्वाद लो बढ़िया से नहाओ धो प्राणायाम करो सूर्य नमस्कार करो उसके बाद हमारा सीए दो को साढ़े छः बजे सीए देखने के बाद अपना घर का काम और करो जो बचा हुआ है फिर पढ़ाई करने बैठ जाओ दो घंटे पढ़ाई करो फिर स्पीडेस दो फिर घर में जो खाना वाना मम्मी बनाए उनका हाथ बटाओ उनका है ना सब ये वॉयस के लिए भी है फिर अपना इंग्लिश पढ़ने बैठ जाओ फिर थोड़ा पी के सो लो आराम से थोड़ा सा तीन बजे उठो रीजनिंग पढ़ लो आराम से थोड़ा घूमा बाहर आ रात को मैथ पढ़ लो मैथ मतलब खिड़की खोल लो ठंडी नहीं हवा आती रहेगी कान में हेडफोन लगा लो मतलब गाना वाना सुनते हुए क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व करो आह क्या पढ़ाई है एंजॉय करना पड़ता है ये सब एंजॉय करिए पढ़ाई को परेशान मत होइए चलिए थैंक यू सो मच हो गया